ईद स्पेशल लजीज और जायकेदार फोर टाइप की नॉन वेज डिशेस बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। यूपी फिरोजाबाद का फेमस नांग गोश्त, जिसे कड़ाव गोश्त भी कहते हैं, शाही मटन कोफ्ता करी, बोफेलो भेजा, बोफेलो पाया बनाने की रेसिपीज शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए नांग गोश्त की फर्स्ट रेसिपी देख लेते हैं। आज हम बना रहे हैं यूपी का बहुत ही मशहूर नांग गोश्त, जिसे कड़ाव गोश्त भी कहते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में पेट तो भर जाता है लेकिन नियत नहीं भरती, अगले दिन फिर से वही खाने का मन करता है। अब आपको कड़ाव गोश्त नान गोश्त खाने के लिए शादियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस रेसिपी को फॉलो करके मजेदार यूपी का मशहूर नान गोश्त, जिसे कड़ाव गोश्त भी कहते हैं, बनाएं और गरम गरम नान के साथ पेट भर के खाएं। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। नान गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले 300 ग्राम सरसों का तेल लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसकी झले निकाल दी है। अब इसके अंदर हमने डाले हैं मखाने और मखाने को हम थोड़ा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसको तेल से निकाल लेंगे। मखाने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। इधर हमने 350 ग्राम प्याज ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से कट कर लिया है। प्याज ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही पतली। इसमें से हम 250 ग्राम प्याज तेल में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और 100 ग्राम प्याज हम बचा कर रखेंगे। प्याज को बहुत ही सावधानी से गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। इधर हमने मटन को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। हमने यहाँ 1.5 किलो कुछ फैटी और कुछ बोनलेस मटन लिया है, जिसे हमने पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। इधर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब इसे बहुत ही सावधानी से तेल से बाहर निकालेंगे। प्याज को तेल से बाहर निकालने के बाद एक प्लेट में करके इसे साइड पर रख देंगे और इसे फैला देंगे, अलग अलग कर देंगे हाथों से, ताकि ये जल्दी ही ड्राई हो जाए। एक बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 6 लौंगे, 1 फूल लेंगे हम छलछबीले का और 2 तेज़पात के पत्ते, ये सभी मसाले हम तेल में डाल देंगे। जैसे ही ये मसाले तेल में रोस्ट होंगे, आपके पूरे घर में नान गोश्त की खुशबू से महक जाएगा। अब एक प्याली में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और नमक को पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे और बहुत ही सावधानी से इस नमक वाले पानी को तेल में डाल देंगे। ध्यान रहे, तेल में पानी डालने के बाद छींटें आती हैं, इसलिए ढक्कन से थोड़ा ढककर बहुत ही एहतियात से ये पानी डालें, और पानी डालने के बाद ढक्कन से कवर कर दें। जब छींटें आनी बंद हो जाएं तो ढक्कन हटा दें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छींटें आनी बंद हो गई हैं और हमने ढक्कन हटा दिया है। नान गोश्त के सालन में एक अच्छी रौनक और कलर लाने के लिए हमने प्याली में 3 चम्मच पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाल दिया है, और अब इसे हल्दी पाउडर को चम्मच से अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे और फिर इस हल्दी वाले पानी को तेल में डाल देंगे। हल्दी वाले पानी को तेल में डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसे स्पैचुला से चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि हल्दी की हरान जो भी स्मेल होती है वो निकल जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे हम मटन, 1.5 किलो मटन, जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था। आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, ये बड़े का मीट भी ले सकते हैं। और इसके साथ में डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक, और साथ ही में जो कटी हुई 100 ग्राम प्याज हमने अलग उठाकर बचाकर रख दी थी वो भी इसके साथ में डाल देंगे। और इन सभी मसालों को स्पैचुला से चलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लेंगे और गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसे भुनने देंगे। मटन अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसे एक कुकर में डालेंगे और उसमें 1 मग पानी डालकर कुकर में 4 से 5 सीटियां लगाकर गलने तक पकाएंगे। हमने कुकर का ढक्कन लगाकर उसमें सीटियां लगाकर गोश्त को गलने तक पकने रख दिया है। इधर हम नान गोश्त मसाला देख लेते हैं। नान गोश्त का मसाला बनाने के लिए हमने 10 से 12 लौंगे ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 दालचीनी की छड़ी ली है, 1 जावित्री का फूल लिया है, 1 जायफल का आधा टुकड़ा लिया है, 1 फूल चक्र जिसे बादियानी का फूल भी कहते हैं लिया है, 1 चम्मच हमने छबीला लिया है, 1 चम्मच सूखे हुए गुलाब के पत्ते लिए हैं, और 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड नारियल पाउडर भी कहते हैं लिया है, 1 चम्मच लिया है खसखस, और 2 चम्मच हमने मगज़ लिए हैं, और 10 से 12 काजू लिए हैं। अब इन सभी मसालों को एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर एक दरदरा
पाउडर तैयार करना है। हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसका दरदरा पाउडर बनाना है ताकि मसाला एक दानेदार मसाला बनकर तैयार हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सभी मसालों का एक फाइन दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और ये नान गोश्त का खुशबूदार मसाला बनकर तैयार है। इधर फ्राई की हुई प्याज भी ड्राई हो चुकी है और क्रिस्पी हो चुकी है। इसे भी एक मिक्सिंग जार में डालकर और साथ में डालकर मखाने इनको एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ग्राइंड की हुई प्याज और मखानों को हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। हमने इन्हें दरदरा सा ग्राइंड किया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इधर हमने लिया है 250 ग्राम दही और इसे चम्मच से अच्छी तरह से फेंट लिया है। कुकर में 5 सीटियाँ लग चुकी हैं। अब कुकर खोला है और हम चेक करते हैं मटन को। मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे वापस से हम कढ़ाई में निकाल लेंगे और इसे गैस की मीडियम लो फ्लेम पर भुनने देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मटन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो इसलिए हमें इसका थोड़ा पानी रिड्यूस करना है। इधर हमने दही को फेंट लिया है और उसके अंदर हमने ग्राइंड किया हुआ नान गोश्त का मसाला डाला है और साथ में फ्राई प्याज और मखाने ग्राइंड किए हुए डाले हैं और साथ में डाल रहे हैं हम इसमें रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर जिसे कहते हैं, और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटन अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें काफ़ी पानी रिड्यूस भी हो गया है। अब इसमें जो मसाला हमने तैयार किया है वो डालेंगे। ये समझ लीजिए कि ये नान गोश्त की जान है। इस मसाले को डालने के बाद ही आपका नान गोश्त, कड़ाऊ गोश्त जिसे कहते हैं, बनकर तैयार होगा। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल वही यूपी साइड का जो बड़े बड़े देगों में और कड़ाहों में नान गोश्त का सालन बनता है ना, जिसे सकोरों में खाते हैं मिट्टी के, बिल्कुल वही बनकर तैयार हुआ है। वही खुशबू है, वही स्वाद है, लग ही नहीं रहा कि हमने ये घर में बनाया है। 10 से 15 मिनट मटन भुनने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही लजीज कड़ाऊ गोश्त, जिसे नान गोश्त भी कहते हैं, बनकर तैयार है। अब इसे गर्म गर्म नान के साथ, तंदूरी नान के साथ सर्व करें और एक बार इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बावर्ची स्टाइल शाही देगी चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक करें। शाही मटन कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। आज हम आप सबके साथ शाही मटन कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। हमारी इस रेसिपी में बताए गए तरीके को फॉलो करके आप एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट कोफ्ते तैयार करेंगे और आपके कोफ्ते बनाते समय टूटेंगे भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए कोफ्ते बनाते समय किन किन इन्ग्रीडियंट की जरूरत पड़ती है स्क्रीन पर देख लेते हैं। कोफ्ते तैयार करने के लिए हमने 1 किलो मटन कीमे को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। कोफ्तों में डालने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं चने, 1 चम्मच ली है नमक, 1 चम्मच ली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच लिया है खसखस और 1 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ले लिया है, कुछ हरी मिर्चें चॉप करके ले लिया है, फ्रेश हरा धनिया कट करके ले लिया है और इधर हमने लहसुन प्याज का पेस्ट भी बनाकर तैयार कर लिया है। 4 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 3 तेज़पात के पत्ते, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची ली है। अब सबसे पहले मिक्सिंग ग्राइंडर जार में हम डालेंगे कोफ्तों के अंदर का मसाला और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस मसाले में 1/2 कप पानी ऐड करके मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हमने एकदम क्रीमी टेक्सचर में पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है और हम इसको निकालते हैं एक बड़े बाउल में और आपको दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत परफेक्ट तरीके से मसाला पीस चुका है। अब उसी जार में हमने डाला है मटन कीमा और इसको भी एक बार चलाकर निकाल लिया है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा बारीक हो जाएगा और कोफ्ते हमारे बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और साथ ही में डाल रहे हैं हम यहाँ पर चॉप की हुई हरी मिर्चें और चॉप की हुई प्याज और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। 1/2 हरा धनिया हम रोक लेंगे इसके करी में डालने के लिए। अच्छी तरह से सभी सब्जियों को कीमे में स्पून से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते तैयार करने के लिए कीमे का डो बनकर तैयार है। अब डो से 1 छोटी लोई तोड़ेंगे और हाथ पर हल्का सा लगाएंगे पानी और इसे गोल गोल घुमाते हुए, बॉल की तरह घुमाते हुए गोल कोफ्ते तैयार करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एकदम परफेक्ट और गोल कोफ्ता तैयार किया है। बाकी के कीमे से हम इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। चलते हैं अगले स्टेप कोफ्तों की करी तैयार करने के लिए। इसको तैयार करने के लिए हमने भगोने में एक बड़ा चम्मच वनस्पति घी लिया है। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में डाला है 2 तेज़पात के पत्ते, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंगे। और इनको मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह से घी में आ जाए। 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज का पेस्ट और साथ ही में डाल देंगे पाउडर मसाले जो हमने पहले ही निकाल कर रख लिए थे। और इन्हें स्पून से चलाते हुए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भूनकर तैयार हो गया है और अब हमने करी बनाने के लिए इसमें पानी भी डाल दिया है और साथ ही में हम डाल रहे हैं इसमें कोफ्ते और गैस की फ्लेम को हमने रख कर दिया है मीडियम लो। और ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया जो हमने आधा बचा कर रखा था। 15 से 20 मिनट हमने ढक्कन से कवर करके इन कोफ्तों को पका लिया है और हम आपको स्पून से निकाल कर दिखाते हैं, चेक करके दिखाते हैं कि कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, हम आपको इसे तोड़ कर दिखाते हैं। ये बहुत ही इजीली टूट रहा है, यानी कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। और मटन शाही कोफ्ता करी बनकर तैयार है, गर्म गर्म गेहूं की रोटी के साथ सर्व कर। तो चलिए अगली थर्ड बोफेलो पाए की रेसिपी के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं कि बहुत ही आसानी से कम समय में पाए को कैसे उबाला जाता है। अक्सर हम जब पाए बनाते हैं या तो पाए पूरी तरह से गल नहीं पाते या फिर मसालों के मेथड में गड़बड़ी हो जाती है। अब ना तो आपको घंटों तक पाए को उबालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपके मसालों के मेथड में गड़बड़ी होगी। घंटों का काम मिनटों में होगा और आपको घंटों तक पाए उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 25 से 30 मिनट में आपके पाए उबल कर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही लजीज और जायकेदार पाए बनकर तैयार होंगे। पाए उबालने के इस सीक्रेट तरीके को जानने के लिए हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने बड़े के 2 पाए लिए हैं जिन्हें हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और दोबारा से इन्हें पानी में डालकर भगोने में कर रख दिया था ताकि ये और अच्छी तरह से साफ हो जाए। अब हमने पायों को निकाल लिया है पानी से और करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट तरीके से साफ हैं, क्लीन है। इसी तरह से आपको भी क्लीन करने हैं पायों को। जिस प्लेट में पायों को रखकर हमने वज़न करना है उस प्लेट का वज़न कर लेते हैं। ये देखिए, 200 ग्राम की प्लेट है और इधर पायों का वज़न कर लेते हैं। वज़न से देखा जाए तो 2.5 किलो के करीब पाए हैं। अब सभी पायों को हम डालते हैं कुकर में और साथ ही में पायों को गलाने के लिए हम 4 मग पानी डाल देते हैं। पानी डालते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि पानी पायों से ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे ही रहे, क्योंकि यहाँ पर हम कुकर में पाए उबाल रहे हैं। अगर हम भगोने में पाए उबालेंगे तो उसमें पायों से ऊपर पानी रखना पड़ेगा क्योंकि वो घंटों में उबलते हैं। पायों को कुकर में डालकर और साथ में पानी डालकर गैस की हाई फ्लेम पर हमने एक उबाला ले लिया है। अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब लगा देते हैं कुकर का लिड और एक प्रेशर आने देते हैं। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं। जैसे ही प्रेशर आएगा हमें प्रेशर को बाहर नहीं निकालना है, गैस की फ्लेम को फौरन मीडियम लो कर देना है। इससे ये होगा कि प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा और ना ही पाए में जो जूसेस होते हैं पानी में वो भी बाहर नहीं निकलेंगे और आपका कुकर और गैस भी गंदा नहीं होगा। 25 मिनट बाद आपको दोबारा से सीटी को इस तरह से नहीं निकालना है वरना दोबारा पानी निकलेगा। आपको कुकर को उठाना है और सिंक में रखना है और जो पानी आप खाने पीने में साफ पानी जो यूज़ करते हैं उसको कुकर के लिड पर डालना है और इसके हैंडल का लॉक खोल देना है। ये देखिए, जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ेगा ढक्कन एकदम खुल जाएगा। जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल भी पायों का पानी, जूसेस वाला पायों का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला और हमने इधर आसानी से ढक्कन भी खोल लिया। अब इधर हमने पायों को कर लिया है थोड़ा ठंडा और हम आपको इसका एक पीस निकाल कर तोड़ कर दिखाते हैं कि ये देखिए कितनी आसानी से बहुत अच्छी तरह से ये पाए गल चुके हैं। सिर्फ 25 मिनट में गैस की मीडियम लो फ्लेम पर कुकर के प्रेशर में हमने अच्छी तरह से पायों को गला कर तैयार कर लिया है। तो हो गए ना घंटों का काम मिनटों में। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अब इधर हम ले लेते हैं एक भगोना और उसके अंदर डालते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के घी। आप यहाँ पर तेल या रिफाइंड जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। फिर इसके साथ ही में हम कुछ गर्म मसाले डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 लौंगे। और साथ ही में हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 तेज़पात के पत्ते।
और 1 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से घी में भुनने देते हैं ताकि इन मसालों का फ्लेवर घी में आ जाए और हमारे पाए बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हों। साथ ही में हम डाल देते हैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट का कच्चापन निकल जाए और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से घी में आ जाए तब तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और साथ ही में एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने ग्राइंडर में पीस कर एक पेस्ट बना लिया था, इसे भी साथ में डाल देते हैं और इसको भी स्पैचुला से चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून लिया है टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट और 4 से 5 टीस्पून लिया है हमने कोरिएंडर पाउडर। इन मसालों को डाल देते हैं घी में और साथ ही में स्पैचुला से चलाते हुए इनको भी गैस की मीडियम लो फ्लेम पर भूनते हैं। जिस प्लेट में प्याज का पेस्ट था उस प्लेट में हम 1 कप के बराबर पानी डालकर उसे खंगाल कर हम भगोने में डाल देते हैं मसाले में और मसाले को अच्छी तरह से भुनने देते हैं। जैसे जैसे मसाला भुनता जाएगा आप देखेंगे कि इसके किनारों पर घी रिड्यूस होने लगेगा। और साथ ही में हम 1/2 छोटी प्याली दही डाल देते हैं और इस स्पैचुला से चलाते हुए दही को मसालों में मिक्स कर लेते हैं और गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनने देते हैं ढक्कन से कवर करके। जब तक मसाला भुनता है आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, उबल चुके हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं कुकर से बाहर और इसका पानी अलग कर लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये पाए बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं। हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कम समय में उबल चुके हैं। और ये रहा इसका जूसेस वाला पानी जिसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसी पानी को हम मसाला भूनने में इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि मसाला भुना कि नहीं। और ये देखिए मसाला भुन रहा है अच्छी तरह से, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं और घी भी रिड्यूस होने लगा है। थोड़ा और हमें इसे मसाले को भूनना है लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा जूसेस वाला पायों का पानी डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से शोरबा बन जाए और पाए बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हों। जिन लोगों को टांगों और घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है वो पायों का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो बड़े के पाए हों या मटन के, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इधर ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें एक उबाला आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम डाल देते हैं उबले हुए पाए। पायों को मसाले में डालते टाइम एक बात का ध्यान रखें, झटके से या ऊपर से पायों को मसाले में ना डालें वरना इसकी छींटे उड़ेंगी जो कि आपके चेहरे या आंखों में आ सकती हैं। तो इसको बहुत आराम से डालना है पायों को और इनको अच्छी तरह से स्पैचुला से मसाले में मिक्स कर देना है और गैस की हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है। जब तक पायों में उबाल आता है हम डाल देते हैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही में फ्रेश आधी मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। इससे पाए और भी ज़्यादा लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होंगे। यकीन करें जब हमारे बताए हुए इस मेथड से आप पाए उबालेंगे और बनाएंगे तो आपको कोई भी झंझट नहीं लगेगा, ना ही कोई तामझाम करना पड़ेगा। बस आप दोपहर में पाए मंगाएं और शाम में इन्हें बनाकर इन्हें तैयार करके अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं। तो ये देखिए बहुत ही लजीज और जायकेदार पाए बनकर तैयार हैं परफेक्ट मसालों के मेथड के साथ और कम समय में पाए उबल कर बनकर तैयार हैं। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं पायों में उबाल भी आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। और पाए बनाते बनाते हमें लगने लगी है बहुत तेज़ भूख, निकालते हैं पायों को सर्विंग डिश में और साथ ही में गरम गरम रोटी नान के साथ सर्व करते हैं। आप सभी लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आपके कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है। और आप सबके लिए न्यू और आसान रेसिपीज़ और डिशेस तैयार करने का हमें हौसला मिलता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो चलिए चलते हैं अगली 4th और लास्ट बोफेलो भेजा बनाने की लजीज और जायकेदार रेसिपी की तरफ। खाने में बहुत ही लजीज और जायकेदार, बनाने में बहुत ही आसान। जी हाँ, आज हम आप सबके लिए बहुत ही आसान
बफेलो भेजा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। जिसे पत्ता देखते ही आप सबको भूख लगने लगेगी और आप इसे टेस्ट किए बगैर रह नहीं पाएंगे। ये खाने में इतना ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होता है बफेलो भेजा। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए बहुत ही जायकेदार और लजीज बफेलो भेजा बनाने की आसान रेसिपी लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए भेजा बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ हमने दो भेजे लिए हैं और दोनों भेजों को हमने पानी में विनेगर डालकर अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर लिया है। कुछ लोग भेजों को पहले उबालते हैं बाद में क्लीन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो इसमें ब्लड होता है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हम पहले भेजे को धोते हैं बाद में बॉयल करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमने भेजे को धोकर क्लीन कर लिया है। अब इन भेजे को हम एक कुकर में डालेंगे और उसमें डालेंगे एक जावित्री का फूल, दो सफ़ेद इलायची डालेंगे और साथ ही में डालेंगे क्वार्टर चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और एक गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे भेजे को बॉयल करने के लिए, और इसमें एक छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे। इन सभी मसालों को चम्मच से चलाकर भेजे में मिक्स कर लेंगे और इससे ढक्कन से कवर करके हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। जैसे ही भेजे में उबाल आ जाएगा हम कुकर का ढक्कन लगाकर दो सीटियों में भेजे को बॉयल कर लेंगे। इस तरीके से आप भेजे को बॉयल करेंगे तो भेजे में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। भेजा बॉयल हो चुका है, अब भेजे को एक स्ट्रेनर में डालकर पानी से धोकर क्लीन कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो पिसे हुए गरम मसाले का कालापन है वो निकल जाए और भेजा एकदम फ्रेश और क्लीन हो जाए। धुले हुए भेजे को पानी से दोबारा धोने से इसके अंदर जो कालापन आया है वो निकल जाएगा और भेजा एकदम बिल्कुल वाइट और साफ होगा और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। भेजा धुलकर क्लीन हो चुका है, अब चलते हैं भेजा फ्राई करने की तरफ। इसके लिए हमने एक भगोना लिया है और उसमें हमने एक से डेढ़ चम्मच घी डाल दिया है और उसमें डालेंगे चार छोटी इलायची, दो लौंगे और दो तेज़पात के पत्ते, और दो से तीन मिनट मसालों का घी में फ्लेवर आने तक मीडियम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। इसके बाद एक बड़े साइज़ की रफली चॉपी हुई प्याज डालेंगे और उसे चम्मच से चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुकी है, अब इसमें 10 से 15 कम तीखी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इन्हें भी प्याज के साथ में रोस्ट करेंगे। और इधर डालेंगे हम दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बॉयल किया हुआ भेजा डालेंगे और भेजे को इन तीनों सब्जियों के साथ में अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भून लेंगे। भेजा भून चुका है, अब इसके अंदर कुछ मसाले पाउडर, एक चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच पिसी लाल मिर्ची पाउडर, तीन चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और चम्मच से चलाते हुए इन सभी मसालों को भेजे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले भेजे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, अब मसाले को भूनने के लिए भेजे के साथ में इसमें एक कप पानी डालेंगे और इसे भी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस की मीडियम लो फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके मसाला भूनने तक इसे पकाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है। भेजा पहले से ही बॉयल कर लिया था इसलिए भेजा पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 10 से 15 मिनट हमने मसाले को भूना है और बहुत अच्छी तरह से भेजा पककर तैयार हो चुका है। हम आपको स्क्रीन पर दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। बहुत कम समय में बहुत कम मसालों के साथ हमने बहुत ही मज़ेदार बफेलो भेजा बनाकर तैयार कर लिया है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी बहुत कम समय में बहुत कम तामझाम के साथ में और बहुत ही लजीज और शानदार और मज़ेदार भेजा मसाला बनाकर तैयार कीजिए। जब आप इस भेजे की डिश को तैयार करेंगे तो इसकी खुशबू और अरोमा इतनी शानदार है कि आप इसे टेस्ट किए बगैर नहीं रह पाएंगे। हमने कर ली है डिश आउट और इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लिया है। अब हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं और चेक करके बताते हैं, क्योंकि हमें लगी है बहुत तेज़ भूख। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और इसे रेसिपी से भेजे को तैयार कीजिए। एक बार लजीज और जायकेदार चारों डिशेस को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।